सभी टेट और सी टेट के विद्यार्थियों को देव क्लासेस का हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी दोस्तों के आग्रह के बाद हमने इंग्लिश के कुछ विशेष टॉपिक चुने हैं, जिसमें से टोटल इंग्लिश को कवर करने के लिए 10 टॉपिक हैं, जिसमें से ये हमारा तीसरा टॉपिक है। अगर आपने इस 10 में से 10 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो नो डाउट आप इंग्लिश में कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। ये तीसरा टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरा ध्यान से देखना है। इस टॉपिक से 99% आपका 2 से 3 नंबर का प्रश्न ज़रूर फंसेगा। बस ये है, इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना है। हो सकता है देखने में आपको ये लगे कि ये टॉपिक तो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, ये पहले से तैयार किया हुआ है, लेकिन इसमें जो हमने माइनर चीज़ें कलेक्ट की हैं, जिन माइनर चीज़ों को हम आपको बताना चाहते हैं, जो पेपर के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हो सकता है वो चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट में आप कमेंट भी करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पेपर एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आपके पास समय से पहुँचें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9919425442, इस नंबर को आप नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप देव क्लास स्पेशल को यूट्यूब में सर्च कर हमारे सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जो स्पेशल टेट और सी टेट के लिए बनाई गई हैं और टोटल सिलेबस के अंतर्गत है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड की गई हैं जो कि आपकी परेशानी का कारण बने। चलते हैं आज के सब्जेक्ट की तरफ। दोस्तों, हम टेंस में आज फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, जो कि हमारा तीसरा पार्ट है। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर टेंस आपने पढ़ा हो, लेकिन जो नियम और जो वाक हम आपको यहाँ देना चाहते हैं वो चीज़ें श्योर आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होंगी। जैसे इसमें यूजेज बताए गए हैं, ये आपको मालूम होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। मतलब इस टेंस का जो भी उपयोग है, ये फ्यूचर आने वाले कल के लिए किया जाता है। जैसे आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, जैसे मैं स्कूल कल जाऊँगा, इसमें टुमारो और नेक्स्ट शब्द पाए जाएंगे। इसके रूल्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इस तरह की चारों सूत्र आपके सामने। इसके बाद चलते हैं हम लोग सीधे एक्सरसाइज की तरफ। ये चीज़ें आती हैं आपके पेपर में जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये लगभग सारी चीज़ें आई हुई हैं। मतलब सेम चीज़ नहीं आई, लेकिन इसी तरह की चीज़ें आई हुई हैं। अतः अगर आपने इन चीज़ों को सीख लिया तो आप निश्चित 2 से 3 नंबर इस टॉपिक से लेकर आएंगे। जैसे पहला, ही टू टुमार, टू मुंबई टुमारो, गो इसमें सहायक क्रिया दी गई है। अब आपको बताना है कि ये गो कैसे काम करेगा। ध्यान से देखिए और बताइए गो को आप कैसे लगाएंगे, इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी। ये आई वी के साथ चलाता है, ये के साथ आएगा विल, क्या हो जाएगा विल गो टू मुंबई टुमारो। अगला आई, आई के साथ क्या आता है, आई के साथ आएगा आपका शैल, शैल के बाद नॉट अटेंड हिज पार्टी नेक्स्ट वीक। अगला द प्रिंसिपल विल चेक द यूनिफॉर्म टुमारो। अगला आई शैल डिपॉजिट माई फी नेक्स्ट वीक। ही विल नॉट इन्वाइट यू टू हिज पार्टी। अगला है मोहन विल नॉट कम टुमारो। अगला द कुक इसमें भी विल ही आएगा, तो विल बी ऑन लीव टुमारो। अगला है आई
शैल पे नेक्स्ट वीक। अगला है मधु विल डिस्प्ले हर पेंटिंग नेक्स्ट वीक। और यहाँ आपके दुआ दोस्त खाली स्थान है दसवें में। तो ये आपका जब भी कर्ता के पहले कुछ पूछे तो वो आपका इंट्रोगेटिव होता है, तो यू के साथ क्या आएगा विल, और सेलिब्रेट का सेलिब्रिटी रहेगा जो नेक्स्ट आपका खाली स्थान दिया हुआ है उसमें वही चीज़ भर दी जाएगी जो कोष्ठक में है। तो आपका ये वाक्य बन जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए है, फिर भी मैं इन्हें बता देता हूँ एक बार पढ़ के। ही कम इवन इफ इट रेंस। नेक्स्ट है ही इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही फेल। ये सारे वाक्य आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के हैं, तो सहायक क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्सरसाइज हल कर दी है। यू अगला है यू विल नॉट सक्सेस इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। अगला दे विल नॉट प्ले ए फ्रेंडली मैच टुमारो। शी विल कम हियर टुमारो। आई होप शी विल हेल्प मी। आई शैल कॉल यू नेक्स्ट संडे। अगला है वी विल गो टू स्टेशन टू रिसीव यू। ये आपके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट के थे, अब चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। इसकी ये देख लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब ऑन एक्शन इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन फ्यूचर। इसके आप रूल्स ये दिए गए, इसमें विल सेल के साथ में बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये है आपके सॉल्व एग्जांपल जो आपको सॉल्व करना है। आंसर शीट नीचे दी गई है लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से हल करना है। जैसे सी के साथ आएगा विल बी कंटिन्यूस किए तो विल बी प्लेइंग। नेक्स्ट है वी विल बी प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट है मोहन वी के साथ सॉरी सेल आएगा मोहन नेगेटिव है विल नॉट बी इनवाइटिंग, क्योंकि जब भी नोट होता है ना उस बी के पहले हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है पांचवा वेन विल यू बी इनवाइटिंग अस। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर देखते जाइए इनको कैसे बनाएंगे, और आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि हमसे कितने में कितने सही रहे। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ये टेंस का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ फ्यूचर में किसी काम के समाप्त होने का आसार ये पाए जाए। सी विल हैव कवर्ड हिज जर्नी बाय मंडे नेक्स्ट। उसने अपनी यात्रा को अगले मंडे तक समाप्त कर लिया या समाप्त कर लेगी। ये आपके रूल्स हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इनको भी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं ये, इसमें शैल और विल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो प्रयोग करेंगे। बाकी नियम आपके वही पिछले हैं, शैल या विल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर किसी का भी परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर को पास्ट को इंडिफिनिट को, सभी में क्रिया के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या था, फिर से देख लीजिए शैल विल इसके बाद में हैव और फिर थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए द पिक्चर will have started by the time we reach the hall. Next you will have finished your study by 2007. Next the farmer will not have reaped the harvest before September. नेक्स्ट है आई शैल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सनराइज। ही अगला है ही
विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बाय नेक्स्ट वीक। ये तो आपका प्रैक्टिस से ट्राई फ्यूचर परफेक्ट के, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल हैव बीन गोइंग ऑन एट और बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। इस एग्जांपल है शी विल हैव बीन वीपिंग सिंस 3 PM। इसका मतलब है शी विल हैव बीन वीपिंग, वह रो रही होगी सिंस 3 PM, 3 बजे से वह रो रही होगी। इसके आपके सूत्र ये लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, आप इन सूत्रों को नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें विल हैव सेल विल के साथ में हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें सेल और विल के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया की पहले सूत्र के साथ ing लगाएंगे। ये आपके प्रैक्टिस सेट है। दे विल हैव बीन सोलोइंग SOLVE की जगह ing हो जाएगा सोलोइंग द सम सिंस मॉर्निंग। अगला है वी शैल हैव बीन बाथिंग इन द रिवर। इस तरह आपकी सारे वाक्य जो बिल्कुल सूत्र पर आधारित हैं और आपके इस स्टोरी टाइप में भी आ सकता है। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से बना के जो चीज़ आपसे नहीं बनती आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। और एक खास सूचना, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि इस फ्री क्लासेस और फ्री PDF का लाभ उन व्यक्तियों को भी मिल सके जो आपसे बहुत दूर आपके कनेक्टिविटी से बाहर हैं। और ये वीडियो उन तक तभी पहुँचेगा जब आप हर एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डालेंगे। तो सब सारे वीडियो एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के पास तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।